आप आ सकती हैं। टाइम हुआ है 4:21, हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली होटल में है। आपको पता चल रहा होगा सब लोग कितने रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, सब रिलैक्स हो गए हैं। ये देखो लड़की शैतानी, अभी हम जा रहे हैं रबर ड्रेस हमने पहना ब्लैक। अरे हाँ मैंने नोटिस किया, क्या हुआ? हाथ पकड़ नहीं कह रही, खुद जाऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं रमन रेती, रेत में कूदने, खेलने कूदने, पूरा मस्ती करने। देखो लड्डू को, चुचू के माओ के लड्डू जा रही है करने। चलो हम चलते हैं। और यहाँ से जो रास्ता जाता है, यहाँ से लेफ्ट साइड से ऑटो मिलते हैं रमन रेड्डी के, इसको बोलते हैं नंद चौक, बोलते हैं ना नंद चौरा, शायद ऐसे ही कुछ बोलते हैं। हाँ ये भैया खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्या नाम है इनका, घनश्याम पवित्र भोजनालय। आके खाएंगे। चलो आओ पहले वहाँ चलते हैं ना, रमन रेड्डी शाम को अच्छी लगी मार्केट। ओके देखो कितनी नॉलेज हो रही है इनको यहाँ की, हम बहुत बार आ चुके हैं ना इसलिए। हाँ ये बुकिंग है पहले किसी का, रमन रेड्डी ये रे। और अभी हम जा रहे हैं रमन रेड्डी, मतलब हम जा ही रहे हैं, अब हम उसमें बैठ गए रिक्शा में। लड्डू ने इतना परेशान कर दिया, लड्डू एक तो इसमें टिकते ही नहीं है, एक अच्छा लगा फिर दूसरा भी अच्छा लग गया, तीसरा भी अच्छा लग गया, पुराने को बैठती जाएगी दूसरा उठाती जाएगी, इसलिए इसको पन्नी में तो खोल के चेक भी नहीं करा ये कैसी है, इसलिए लग गया और फटाक से पैसे दे के तो घर पर उठा लाई इसको, नहीं तो परेशान कर। लड्डू इसका क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे इसका, उतारेगी इसके घर जाके, घर जाके बेटा घर जाके खोलेंगे, घर जाके खोलेंगे। अभी तो हम खेल, देखो हाथ जोड़ हाथ जोड़ लेते करें प्लीज। डायमंड की लड्डू गाड़ी की होती है बस। अरे नहीं खराब है, सिल्वर कलर है, सही कह रही हो, खराब है, डायमंड की सीट नहीं होनी चाहिए। देखो लड्डू ने ना अपनी गाड़ी का क्या कर रही है, अभी अभी बस इसकी कुछ स्टिकर तो, हाँ बस मेरी बस का भी स्टिकर नहीं छोड़ा, स्टिकर नहीं छोड़ती, उतार देती है, हाथ में छिलका लगा5:45 और हम लोग आ चुके हैं रमन रेड्डी पे। ये सामने है रमन रेड्डी और ये है अंजलि ब्लैक टी शर्ट वाली। लड्डू ने गाड़ी ली, लड्डू को यह की अपनी गाड़ी से चलानी है भाई। हाँ मुस्कुरा दिया, कह रहा लगा यार मैं बहुत जोर से, आओ आओ पहले यहाँ स्लीपर जमा करा लेते, आओ उधर हिरण है, मम्मी को मिलवा दो हिरण से, चलो मिलवा दो, ये स्लीपर जमा करो पहले, आते वक्त मिलेगी। हाँ आते, हाँ चलो। और यहाँ से जो है सीधा रमन रेती का रास्ता है, हमने ना पहले भी ब्लॉग बनाया था रमन रेती का। एंट्री है यहाँ पे, आप पूछताछ कर सकते हैं, स्वागत कक्ष। Thank you.
आरती होगी 7 बजे। कनिका आगे जा रही है उसके पापा और ये लड्डू, लड्डू के हाथ में उसकी गाड़ी है, उसको बस गाड़ी चलानी है। ये आ गए हम रेत में, ये आ गए हम रेत में और रेत बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये देखो यहाँ का नजारा। चलो कहाँ बैठोगे? लड्डू लग गई है, एक कनिका लग गई है, वो उधर बना रहे हैं, यहाँ सब लोग बना रहे हैं। लड्डू अपनी गाड़ी में भर रही है, भैया उसके पापा की हरकत है। आप रुक जाओ, आप रोबिन आप रुक जाओ। कनिका पैरों से खेल रही है। अरे मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। भागो 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 लड्डू आगे, भागो भागो, उसके पापा वहां वेट कर रहे हैं। लड्डू गाड़ी भूल गई। वो यहाँ पे जो है परमानंद है, रियलिटी यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। देखो आप पीछे तरफ भी देखो, कितने सारे लोग हैं, मतलब फुल मस्ती। रेत में लेटे हैं। ओहो लड्डू के हाथों की कोई गुंजाइश नहीं है, मम्मी आपके ऊपर डाल रही है, वो आपके ऊपर डाल रही है, हाथों में कुछ आ नहीं रहा, लेके ए वो हो गया खाली। इनके साथ ऐसी हरकत कर, ये देखो इसके हाथ में कुछ नहीं होगा, बिखर रहा है। और पकड़ो 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 पकड़ो, ओ कनिका को क्या बना दिया। अरे वाह, वो देखिए डांस कर रहे हैं। वो लड्डू की गाड़ी कहाँ गई रोबिन? पता नहीं। देखो कोई बच्चा इधर उधर लेके गया हुआ। देखो लड्डू की हालत देखो, करिए मजा आ रहा है। देखो कैसी कैसी कुट्टी बना रखी है, कितनी अच्छी लग रही है। लड्डू काम पर आओ, घर बनाए घर। लड्डू
किसी का घर बिगाड़ रही है, पता नहीं किसका घर है, बनाने के लिए बुलाया है। अरे किसका घर तोड़ दिया बेटा, नहीं करते, उसको बनाने के लिए बुलाया था। और वहाँ कनिका और रोबिन वो सब घर बना रहे हैं और ये तोड़ रहे हैं। लड्डू तोड़ दिया, लड्डू को बड़ा मजा आ रहा है। लड्डू कैसा लग रहा है? लड्डू किसी से बात नहीं करना चाहती। अब तो इसके हाथ में आ रही है, पहले इसके हाथ में से फिसल रही थी, पता है छोटे से हाथ ज्वाइन कर रही थी, बीच में से निकल जा रही थी। ए, वो आ गई, अभी बनवा देगी लड्डू। वो लेट गई लड्डू। अब इनकी बारी है। कनिका ने तोड़ दिया अपना। नहीं मेरा नहीं तोड़ना। रुक जा। अभी बताएगी घर। बेटा पापा का क्या भूत बना दिया। एक तो पापा आप पानी में क्यों भीग गए? बेटा आंखों में चली जाएगी, सर पे नहीं डालो। आप लोग पैरों पे डालो, हाथों पे डालो, सर पे नहीं डालो। उसको तोड़ने से मतलब है, उसे बस मिलना चाहिए कुछ। और लेटने के लिए तैयार हो रही है रेत में। और देखिए सुकून। हाँ जी हाँ बेटा, बस इसी की कसर रह रही थी। हाँ मम्मी बहुत सॉफ्ट है। अरे वाह, लड्डू ने घर बनाया फिर वो घर तोड़ा। लड्डू पापा ने भी बना दिया घर। अरे मत बताओ मेरा भी तोड़ेगी अभी ये सबके घर तोड़ेगी। इसको तोड़ने में मजा आता है, बनाने में नहीं। बनाना नहीं आ रहा उसको। क्यों बेटा? हाँ जी काम करो जी। आपका पूरा तो सर भीगा हुआ है, उसमें रेत चिपका हुआ है। एक सोर्स बना लो। ठीक है, दांत वाले बना लो। नहीं कैसे? तो मेरे पास, मैंने ड्रेसिंग भी तो नहीं पहनी हुई ना वैसे। अच्छा ठीक है, ओके बनाओ। ए वो बना दिया। वाह लड्डू ने बहुत सोना बनाया, तोड़ दिया। ओ कनिका चलो, देखो लड्डू जा रही है ना, चलो कन्नू। नो अभी तो आपको साफ किया बेटा, मंदिर दर्शन करने, मंदिर बंद हो जाएगा। चलो नीचे गिरा रहे। ओहो लड्डू चलो चलो, जाना पड़ेगा मंदिर के दर्शन करने, कान्हा जी के गेट बंद हो जाएंगे बेटा, दर्शन जाना पड़ेगा। चलो नहीं बेटा और नहीं खेल सकते, चलो चलो कान्हा जी के दर्शन करने हैं। चलो सब लोग चले गए छोड़ के, पापा कहाँ गए लड्डू के? अब हम घर कैसे जाएंगे? जल्दी भागो, पापा को पकड़ो, भागो भागो। यार रोबिन वो नहीं आने के लिए तैयार। नहीं बेटा प्लीज, मैं आपसे कहती हूँ प्लीज, मंदिर दर्शन करने जरूरी है। उसको गोदी उठा लो, वो भाग गई। कन्नू ए भगवान, पता है टाइम बहुत लेट हो गए, हम 6:10 हो गए हैं। कान्हा जी की आरती होगी 7 बजे इस मंदिर में, उससे पहले हम लोग नहा के वापस से आना चाहते हैं, आरती अटेंड करना चाहते हैं, अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे। कितने शैतानी करते हैं बच्चे यहाँ के। गए चलो शुक्रिया। ये हालत है रोबिन की। रोबिन ने बाल पानी में धो लिए थे, उनकी बेटियों ने रंग डाला। आ जाइए।
देखिए व्हाइट जो दिख रहा है ना, ये सब पूरा बड़ा हॉल है ये, और इसमें सब ये वाटर है। ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं ना, ये सब वाटर है, ये सब फीलिंग के लिए है। रोबिन यहाँ भी डांस कर रहे हैं, कन्नू यहाँ भी शैतानी कर रही है, लड्डू भी कर रही है, सब शैतानी कर रहे हैं यहाँ सब बच्चे जी। पानी से गंदा जरूर हो जाएगा, ये रोबिन की कैप है क्योंकि रोबिन का सर अब इसे रखने लायक नहीं रहा। गर्मी के लिए है जली। हाँ जी, गर्मी के लिए जो फैन लगा रखा ना ऊपर। हाँ जी, देख रहे हो फैन, ये तो बड़ा फैन है यार, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो नीचे लेटा आदमी तो उड़ जाएगा अगर अकेला आदमी को लिटा दे इसके नीचे। धीरे धीरे भाई, तो मैं सोचू अगर इतना बड़ा फैन तेज चलेगा तो नीचे बैठा आदमी तो उड़ जाएगा। कन्नू कैसे बिहेव कर रही है, और ये लड्डू, लड्डू का तो चलो समझ में आता है, कन्नू को क्या हो गया है यहाँ के। कन्नू बात कभी नहीं टालती है, सच में कनिका बहुत बहुत ज्यादा फर्क है कनिका में और लड्डू में। किसी के बच्चे के साथ खेलने लगी, अपने मम्मी पापा से कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्नू बात कभी नहीं टालती है, लेकिन आज कन्नू बात नहीं सुन रही है यहीं पे आके। कन्नू को एक बार अगर कह देना ये काम नहीं करो बेटा, वो बड़ी प्यार से बात मान लेती है। आपने कभी देखा होगा इस तरीके से कन्नू को चिल्लाते हुए, या मुझे कन्नू को एक बात को मैं दो तीन बार कह रही हूँ ऐसा करते हुए, पर यहाँ कन्नू नहीं मान रही है। अब वो प्यार से नहीं मान रही है, डांटते हैं हम पब्लिक में, डांटा किसी के भी बच्चे को नहीं करते, पब्लिक में डांटा करते बच्चे को। हाँ जी, गौशाला है, मुझे मिलने जाना है मम्मी, मुझे मिलने जाना है। अरे वो लड्डू यार, देखो कहाँ उतरने की कोशिश कर रही है। मम्मी तो मंदिर में गई, मम्मी अच्छा ठीक है, और डील डन हो गई है, मैं बीच बन जा रहा हूँ। देख रहे हैं हरकत कभी नहीं करती है, मन नहीं रही बात को। चलो गौशाला में, बेटे आपको चोट लग जाएगी। मंदिर में गई बेटा, इतनी शैतानी क्यों कर रहे हो आप, बात क्यों नहीं मान रहे, चोट लग जाएगी कनिका, ये बात अच्छी नहीं है। लड्डू तो छोटी है, वो सुनती नहीं है, मानती नहीं है, समझती नहीं है, आप तो बड़े हो। ओ लड्डू चल जाने, नानी नानी ताऊ जो ही मैं ताऊ जो सुन मैं कूच का मम्मी आ रही हूं बेटा, मैं ताऊ को प्यार कर लूं बेटा, पता नहीं बेटा वो दूध निकालेंगी तो आप छेड़ नहीं पाओगे, और बेबी को तो आप बिल्कुल नहीं छेड़ सकते हो, गुस्सा हो जाएंगे। दूध निकलेगा, चलते हैं, दूध निकलते हुए डिस्टर्ब करेंगे। अरे इतना बड़ा बछड़ा बुबू पी रहा है। एक वो बड़ा है, एक इधर देखिए छोटू सा, ओ उसकी मम्मा मना कर रही है, छोटू सा, एक और है छोटू सा, बोलो छोटू सा, वो इसको देख रहा है। इतना बड़ा बछड़ा वैसे दूध नहीं पीता है, इतना बड़ा मैंने नहीं देखा, गांव में तो नहीं पिलाते हैं, बाकी गौशाला है यहाँ पे, और एक किसी का बछड़ा किसी का भी दूध पी जा रहा है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। भैया जी
ये बछड़े एक दूसरे का भी दूध पी लेते हैं, दूसरी माँ का? दूसरे का नहीं, हाँ दूसरे का नहीं पी रहे। ओहो बहुत छोटा है ये, इसको दूध पीना नहीं आ रहा, इसको सिखाने। छोटे होते ना स्टार्टिंग में पीना नहीं आता है, माँ लगाना नहीं चाह रही है इसको। जगह दे दीजिए प्लीज थोड़ी सी। बच्चे कहाँ गए मेरे? उसके पापा ने उनको खुद तो शैतान ही करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। दिख गई लड्डू तो मुझे, पर उनके पापा कहाँ हैं वो पता नहीं। वो रही लड्डू एंड कनिका, किसी से भी बात किए जा रही है, कहीं भी घूमे जा रही है, और कनिका किसी से बात ही नहीं कर रही है, अपने खुद के माँ बाप को नहीं पूछ रही है। हाँ जी हाँ जी, हाथी आ गया आरती के लिए, हाथी आ गया आरती के लिए काम, एलिफेंट आ गया, एलिफेंट आरती करेगा काम। ओहो कनिका काम, यार कोई सीरियस नहीं ले रहा। हाथी आ रहा? हाँ जी हाथी आ रहा है मम्मी, वो हाथी ना आरती करता है यहाँ पे। आप उसको दान दक्षिणा भी दोगे ना? तो वो एक्सेप्ट करता है और अपने पेरेंट्स को देता है। सॉरी पेरेंट्स ही होते हैं यार वैसे तो, लेकिन पालने वाले को देता है। फाइनली आरती हमने अटेंड कर ली है रेत वाले लुक में ही, क्योंकि बच्चे घर चलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, बच्चे घर ही नहीं गए, यहीं खेल में लगे रहे। मम्मी हाँ जी हाँ जी, टॉयज याद है? हाँ टॉयज याद है, इसका टॉयज का प्रॉमिस है। फिलहाल टाइम हो गया है 6:23, हम लोग अब रवन रेती से कर रहे हैं एग्जिट। आरती हम लोग अटेंड कर चुके हैं 6:23 पे, भी आरती समझ लीजिए स्टार्टिंग आरती की। हाँ तो हम कर रहे हैं एग्जिट, क्योंकि हम रेत में बहुत गंदे हो चुके हैं, बच्चों का तो पता नहीं पर हमें अच्छा नहीं लग रहा। अभी हम घर जाके, हाँ मुझे पता है, अब घर जाके हम नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत खाना पीना खा के निकलेंगे, घर नहीं होटल में। हाँ क्या हुआ? आ गई याद? अब कहाँ से लाऊं बेटा मैं गाड़ी, अब तो कहीं और चली गई गाड़ी, अब कहाँ से लाऊं मैं गाड़ी। इसने ना गाड़ी रख दी और कोई और बच्चा इसकी गाड़ी ले गया। चलो पापा बताएंगे कहाँ गई गाड़ी, चलो शायद पापा ले रहे होंगे। अब इसको याद आ गई। हाँ जी इसको याद आ गया।